तो कैसे हैं आप लोग? हे गाइस, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे हमारी सबसे चहेती और बॉक्स ऑफिस में सबसे हिट डिज्नी प्रिंसेस एल्सा पे। ये लगी नैरेटर को डेडपूल की गोली और नैरेटर ढेर। बेकार नैरेटर था तो मैंने उसे मार दिया, लेकिन आज का वीडियो मैं डिस्कस करूंगा अपने स्टाइल में। लेकिन उससे पहले इंट्रो वाले भैया, इंट्रो लगा। अब बैंचो इंट्रो लगाने को बोला था, मुझे लगाने को नहीं। तो हे किड्स, आज हम जिस कैरेक्टर के पावर लेवल की बात करेंगे वो है डिज्नी मूवी फ्रोजन की हॉट प्रिंसेस एल्सा। वैसे मूवी का नाम फ्रोजन है और प्रिंसेस हॉट है, कितनी फनी बात है, नहीं? ये सच में काफी बेकार जोक था। हाँ हाँ ठीक है, देखो मेरे पास जोक वाली बुक भी है। ये लाइट किसने काट दिया? अपुन अश्वत्थामा बेटा, कभी नहीं मरेगा। मतलब चैनल तुम्हारा है तो मुझे वीडियो बनाने नहीं दोगे? ठीक है, यही दोस्ती यही प्यार, जा रहा हूँ मैं। तो बहुत हुई बकवास, बात करते हैं कि एल्सा एक डिज्नी प्रिंसेस होने के बाद भी किस लेवल पे पावरफुल है। किंग एग्नार और क्वीन इडुना की बेटी एल्सा पैदा ही हुई थी कुछ खास शक्तियों के साथ और एरेंडेल की रानी बनना उसकी किस्मत थी। बट जो प्रॉब्लम एल्सा के साथ थी कि वो अपने पावर्स पे काबू नहीं रख पाती थी। हमने जब पहली मूवी देखी तो हम सब ने देखा कि वो दरअसल एक जादू था जो एल्सा को बचपन से मिली थी। और आज बात इसी पे है कि एल्सा असलियत में कितनी पावरफुल है। और हाँ, क्या हो अगर मैं कहूँ कि एल्सा एक अल्फा लेवल म्यूटेंट जैसी एबिलिटीज रखती है। परफ्यूम काफी अच्छा लगाती हो, बताई नहीं कि तुम म्यूटेंट हो। वैसे एक को बात पूछे, ब्याह हो गया तुम्हारा? हमारी टीम में एक्सफोर्स ज्वाइन करोगी? हट, वीडियो बनाने दे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके पावर का स्केल एक अल्फा लेवल के म्यूटेंट जितना है। पहली मूवी के शुरुआत से हमने देखा कि जैसे जैसे एल्सा की उम्र बढ़ रही थी उसके पावर्स एक्सट्रीमली बढ़ते चले जा रहे थे, इतने कि बस उसके कांटेक्ट से वो चीजों को और अपने चारों तरफ के एरिया को फ्रीज कर देती थी। बट जब वो इमोशनल ब्रेकडाउन में फंसी और एरेंडेल छोड़ के निकली, तब उसने उस इमोशनल ब्रेकडाउन में ही सबकॉन्शियसली पूरे के पूरे एरेंडेल को ही जमा दिया। पूरा का पूरा समंदर जम गया, मौसम बदल गए, लोगों को सुबह का सूरज भी दिखना बंद हो गया, इवन पूरा रीजन एक नेवर एंडिंग विंटर में चला गया, बर्फीली तूफान चलने लगी। अब सोच रहे हैं ये किस लेवल पे पावर होल्ड कर रही है, क्योंकि बस अपने क्रायोकिनेसिस से क्लाइमेट तब को परमानेंटली बदल देना, इट्स जस्ट इनसेन। और सिर्फ बदलना नहीं बल्कि बदलने के बाद उसे उतने समय तक बनाए रखना। और हाँ, ये सब उसने बिना जाने किया था, बस भावनाओं में बह के, जब वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं करना जानती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्रायोकिनेसिस में एल्सा को इतनी एबिलिटीज मिली थी कि वो इससे कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकती थी। उसने खुद का महल बनाया और उसके पहरेदार तक को, और तो और खुद के कपड़ों को भी बर्फ से ट्रांसम्यूटेट किया। Hey, Nerit, मेरा तुमसे एक सवाल है कि पूछो। अगर हम इस बच्चे को वहाँ पर एल्सा के पास ले जाते हैं तो क्या उसके कपड़े पिघल सकते हैं और हमें थोड़े से न्यूड्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं? Because I love nudes. चम्मा आइला, तू फिर आ गया, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एल्सा बर्फ में भी जान डाल सकती है और इसके एग्जांपल हैं उसके महल का पहरेदार और ओलाफ। तो लड़की के पास मैजिक भी है, बट स्टिल वी आर नॉट क्लोज टू हर पोटेंशियल येट। वो किसी को अंदर से फ्रीज कर सकती है। पर तुम उन्हें चीर के रख दोगी अंदर से। Now this is more insane guys, क्योंकि सोच के देखो, अगर एल्सा चाहे तो शहर के शहर और किंगडम के किंगडम्स को पल भर में खत्म कर सकती है। उन किंगडम्स के आर्मी से लेके लोगों तक सबको बस एक ब्लो में जमा सकती है। और अभी रुकिए, अभी माहौल थोड़ा और ठंड से भरने वाला है। ये सिर्फ सब कुछ फ्रीज ही नहीं करती बल्कि उसे रिवर्स भी कर सकती है, और ये हमने दोनों मूवीज में देखा है। एक अनंत विंटर को इसने कुछ पल में डीफ्रीज कर दिया था, पूरे किंगडम के मौसम को रिस्टोर कर दिया, पूरे समंदर को वापस पानी बना दिया। यानी पहले कंट्रोल नहीं जानती थी तो एकदम नहीं जानती थी, और जब सीख गई तो पावर्स में बाप बन गई। क्योंकि आई बेट आपने कई कैरेक्टर्स देखे होंगे जो क्रायोकिनेसिस की पावर रखते होंगे, बट आज तक आप लोगों ने उन्हें उसे रिवर्स करता नहीं देखा होगा। बट दिस लेडी सीरियसली डिड दिस।
और वेदर मैनिपुलेशन में बारीकी भी है। एरेंडेल वापस आके क्वीन बनने के बाद इसने ओलाफ के लिए स्पेशली एक बादल बनाया था जो सिर्फ उसी के लिए उसके चारों तरफ हमेशा बर्फ बनाए रखे। बट इतना सब देखने के बाद हमने दूसरी मूवी में एल्जा के इस पावर के पीछे का राज पता चला और ये कुछ ऐसा था कि आप उसके स्केल को जरा समझने का कोशिश करिएगा। फ्रोजन 2 में जब हम किंग रूनार्ड और नॉर्थ उल्ड्रा के ट्राइब्स के बीच के रिलेशन और उस इवेंट्स को दिखाया गया तब हमने देखा कि किंग रूनार्ड के लालच के वजह से फॉरेस्ट के एलिमेंटल स्पिरिट्स गुस्सा हो जाते हैं और उस झड़प में किंग रूनार्ड की डेथ हो जाती है और एग्नार जैसे तैसे बचता है और सारे एलिमेंटल स्पिरिट्स उस एन्चेंटेड फॉरेस्ट को हमेशा के लिए घेर लेते हैं। और जब एक रात एल्जा को एक मिस्टीरियस आवाज बुलाती है तब वो फैसला करती है कि मुझे अपने पास्ट और पावर्स के बारे में जानना है। एंड गेस व्हाट, उसे पता चलता है कि उस फॉरेस्ट के सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स जो कि थे एयर, वाटर, विंड और फायर, उन्हें बस एक फिफ्थ फोर्स ऑफ नेचर एक कर सकती है और वो कौन है? हाँ जी, अपनी एल्जा। यानी पहली मूवी में इतना कुछ करके खुश नहीं थी कि अब अपनी मोहतरमा नेचर की फिफ्थ फोर्स भी बन गई है। इसका मतलब बर्फ, मौसम और ये सब छोड़ो, ना, ये नेचर पे भी कंट्रोल रख सकती है क्योंकि उसी का एक पार्ट एल्जा को दिया गया था। कब? जब उसकी माँ इडुना ने एग्नार को बचाया था मरने से और एल्जा ने दोबारा से एरेंडेल और नॉर्थुल्ड्रा के बीच दोस्ती भी करवा दी। बट हाँ जी, इस मूवी में भी कुछ सीन्स हैं जो कि एल्जा के पावर लेवल्स को दिखाती है। जब वो फॉरेस्ट में आई होती है तब विंड स्पिरिट उसे एक टोर्नेडो में जकड़ लेती है और उससे निकलने के लिए एल्जा हवा को भी जमा देती है जिससे कुछ बर्फ के स्टैचूज बनते हैं। सो स्टैचूज मेन फोकस नहीं है, पॉइंट है हवा को जमा देना। अब ये क्यों इनसेन है? क्योंकि पानी को जमाना आसान होता है, बस 0°C कर दो पानी जम जाएगा। बट हवा, क्योंकि इसमें कई ऐसे गैसेस हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से भी कहीं कहीं ज्यादा नीचे है, कुछ तो सब जीरो टेम्परेचर तक जाते हैं। और ये अगर सिर्फ अपने पावर से टेम्परेचर को इतना कम कर सकती है देन शी इज अ मैटर ऑफ थ्रेट गाइस, कि ये मोहतरमा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। यहाँ तक कि जब इसके फाइट हो जाती है फायर स्पिरिट से तब एक एलिमेंटल स्पिरिट्स के पावर को ये आराम से, मतलब इतने आराम से काउंटर कर देती है जितना आराम से अमूल माचो के एड में सैफ लड़की के बाप को काउंटर कर जाता है। ये फायर स्पिरिट सेलामेंडर के पावर को निगेट ही नहीं करती बल्कि उसे बस हैंड मूवमेंट भर से ही जमाते चली जाती है। और हो भी क्यों ना, एल्जा है ही सभी एलिमेंट्स को वापस जोड़ने वाली, तो ऑफ कोर्स ये उन बाकी सभी से ज्यादा पावर्स भी होल्ड करेगी, वो भी उनसे भी बड़े स्केल पे। बट नेचर, डैम यार, मैं अभी तक सोच में हूँ, पता हजम नहीं हो रहा ये चीज मुझे। बट स्टिल एट द एंड दिस कैरेक्टर वॉज वे मोर पावरफुल देन व्हाट वी हैव थॉट। सच में दिल में उतर। ओह, अभी भी ये वीडियो देख, इसका मतलब है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो मैं तुम्हें एक मैजिक सिखाना चाहूंगा जिसे कहते हैं डेडपूल का मैजिक, जो कि तुम्हें कोई और नहीं सिखा सकता। वो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब वाला, हाँ उस पे क्लिक करो और ऑल पे कर दो। इससे होगा क्या कि तुम हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। ओश, ये एक सीक्रेट है। और हाँ, अगर तुम्हें मुझे अगले वीडियो में देखना है तो कमेंट कर देना, मैं आ जाऊंगा मुंह उठा के। अब जा सकते हो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।